Newton, how long will you take? Okay, I'm waiting. गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता so much for Pleasure. coming. Please बैठिए. How are you, ma'am? I'm good. How are you? All good. Thank you so much. और बहुत मुझे खुशी भी आपको मिल के अब आपको देख के आज. Thank you so much. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. तकलीफ तो नहीं हुई पहुंचने में? बिल्कुल नहीं. ये बहुत ही फेमस कैफे है. हाँ, स्वीट कॉर्न कैफे. मैंने इसीलिए आपको बोला, मैं कहा स्वीट कॉर्न में आप आ जाइए. विल सिट एंड टॉक देयर. थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया और अपना महत्वपूर्ण हमें टाइम दिया. चाय वाय कुछ लेंगे? मैंने एक्चुअली चाय बोली भी है. एक्सक्यूज मी सर, वो चाय बोली थी. हाँ जी. दो वो पीस आप ले. चाय के साथ कुछ लेंगे? थैंक यू, थैंक यू. बस ठीक है, चाय. आपकी चाय बड़ी फेमस है, ले आइए. थैंक यू. तो कैसी रही आपकी जर्नी मैम? बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन. आज हम उसी पे थोड़ा सा चर्चा करने की सोच रहे थे. मैं सोच रहा था एक बारी थोड़ा उसको रिकॉर्ड भी कर लें जी. बिल्कुल. और फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो कैसे हैं नूतन जी आप? मैं बहुत ही बढ़िया. आइए, चाय भी आ गई. थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू. प्लीज लीजिए. चलो पहले चाय पी लेते हैं. सो नूतन जी, हमने बहुत सुना है, बहुत जितना अब तक पढ़ा है, कि एक पहाड़ से निकली हुई लड़की, गढ़वाल के एक छोटे से गांव से आप निकले. हिंदी तक आपको अच्छे से बोलने नहीं आती थी, फिर अंग्रेजी मीडियम स्कूल में आपने एडमिशन लिया, CS तक का सफ़र, फिर माउंट एवरेस्ट, और बीच में आपने शूटिंग भी की. तो ये सारा जज्बा आपके पास कहाँ से आया और कहाँ से शुरुआत हुई इन सब? पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगी अपने सभी दर्शकों को और धन्यवाद करना चाहूँगी लोकार्पण चैनल का, जिसने मुझे यहाँ पे बुलाया और प्लेटफॉर्म दिया. मेरी जो जर्नी है सर, वो इतनी आसान नहीं थी. उत्तराखंड के गांव की एक छोटी सी लड़की.
बचपन में साथियों के साथ खेलना, मम्मी के साथ गांव में छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना, उत्तराखंड के गांव के टिपिकल छोटे से बच्चे थे मैं। फिर पापा के साथ उनकी जहां जहां पोस्टिंग हुई हम भी वहीं चलते गए। पापा की पोस्टिंग के साथ ही मेरे स्कूल भी बदलते रहे और फिर जब बीकानेर पोस्टिंग के समय पर मुझे अवसर मिला मैंने एनसीसी ज्वाइन की। आर्मी के लिए बचपन से ही प्यार था, पापा को हमेशा उनकी वर्दी में जो देखा था, और एनसीसी कभी इतना प्यार देगी ये नहीं सोचा था। एक दिन पता चला कि माउंटेनियरिंग के लिए सिलेक्शन हो रहे हैं और अच्छी बात ये थी कि कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था। बस फिर क्या था, मैंने भी अपना नाम एनरोल किया और मैं अब 120 में से एक कैडेट थी जिन्हें स्पेशल बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स HMI दार्जिलिंग में जाकर बेसिक ट्रेनिंग करनी थी। एंड डो बिलीव मी सेइंग कि मैंने पहली बार जिंदगी में नेगेटिव टेम्परेचर देखा था, महसूस किया था। बीकानेर काफ़ी गर्म जगह थी पर यहाँ हालात बहुत ख़राब। ट्रेनिंग के बाद हम केवल 40 लड़कियाँ ही सिलेक्ट हो पाई और हमें अगले पड़ाव यानी माउंट देव टिब्बा के बारे में बताया गया। यहाँ चीज़ें और ख़तरनाक थी, टेम्परेचर और भी कम था, चढ़ाई बढ़ चुकी थी। कड़ी ट्रेनिंग के बाद फाइनली वी सबमिटेड दैट पीक जिसे प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन भी कहते हैं। अपने आप को और मजबूत करना होगा क्योंकि अब हम केवल 15 लड़कियां ही चुनी गई थी। टॉप 15 का हिस्सा होना अच्छा तो लग रहा था पर एक डर भी धीरे धीरे पीछा कर रहा था। अब हमारी बारी थी त्रिशूल की। त्रिशूल 7120 मीटर्स की एक टेक्निकल पीक है और देवटिब्बा से अधिक ऊंची और भयानक, और अधिक ऊंचाई की वजह से चुनौतियां भी अधिक थी। हम सभी लड़कियां बहुत पास थे त्रिशूल समिट के, लेकिन तभी पूरा वाइट आउट हो गया और हमें ऑर्डर्स मिले कि वापस हो जाएं। त्रिशूल के बाद आई वो लिस्ट जिसमें केवल 10 लड़कियों के नाम शामिल थे। मैंने लिस्ट देखी, पहले पर मेरा नाम नहीं था, दूसरे पर भी नहीं, तीसरे पर भी नहीं, चौथे और पांचवें पर भी मेरा नाम नहीं था। धड़कनें बढ़ती जा रही थी। छठे, सातवें और आठवें पर भी मेरा नाम नहीं था। नौवां और दसवां नाम बचा था। मैं बताऊं तो नौवां नाम भी मेरा नहीं था। बस जब दसवें नाम पर मेरी नज़र पड़ी, आंखों से हल्के से आंसू और एक मंद सी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर छा गई। आखिर देश भर से निकली 120 एनसीसी कैडेट में से बस हम 10 कैडेट्स को आगे जाने का मौका मिल रहा था। फिर हम 10 लड़कियां और टीममेट्स, तकरीबन 25 लोगों की एक टीम, एक साथ निकल पड़े थे सियाचिन के लिए जहां हमें विंटर ट्रेनिंग दी जानी थी। एयरपोर्ट से लेह का सफ़र मेरे लिए मेरी उड़ानों को पंख मिलने जैसा था। एयरप्लेन के बाहर का वाइट आउट मुझे त्रिशूल वाइट आउट की याद दिला रहा था और साथ ही मेरे गांव की भी, जहां अक्सर बच्चों को कोहरे के बाग से डराया जाता था। कैसी थी वो यादें जिनमें खोकर मुझे इस सफ़र का पता ही नहीं चला। वो तो जब मेरी टीममेट ने मेरे कंधों पर हाथ रखा तब मुझे ध्यान आया कि हम ले पहुंच गए हैं। यहाँ हमें कुछ दिनों के एक्लिमेटाइजेशन के लिए ठहराया गया। फिर हम पहुंचे सियाचिन। -25 to -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में देश के वीर जवानों को देखा तो हम
दंग रह गए। हमें उन्हें देख करके जोश आ जाता था और ट्रेनिंग कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। पर अब हम पूरी तरह से तैयार थे एवरेस्ट के लिए। दिल्ली में एंड्योरेंस डाइट चार्ट एक्सरसाइज के लिए एक मंथ की और ट्रेनिंग के बाद हम दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हो गए। एक बार फिर वही गीत के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। काठमांडू में अच्छे स्वागत के बाद हमें कुछ दिन एक शानदार होटल में रुकवाया गया। ओ वाओ, काठमांडू बहुत ही सुंदर जगह है। वो तो नेपाल में और जगह भी कहीं घूमे या फिर काठमांडू केवल माउंट एवरेस्ट तक ही सीमित रहा आपका? बहुत ही खूबसूरत सफर था हमारा काठमांडू में। हमने वहाँ पे जो फेमस प्लेसेस थे वहाँ पे विजिट किया और जो टेम्पल है पशुपतिनाथ वहाँ पे भी विजिट किया। और उसके बाद ही हम कुछ दिन बाद हमने अपना जो जर्नी थी जिसके लिए जो मेन गोल था उसके लिए हमने आगे फॉरवर्ड किया और मूव किया। और फिर कुछ दिन नेचर और एक क्लाइमेट से फ्रेंडली होने के बाद हमने ट्रेडिशनल रूल अपनाया जो कि काठमांडू से शुरू होकर बेस कैंप तक पहुंचता है। रास्ते में कुछ मस्ती के साथ साथ ट्रैक करने में बड़ा आनंद आता था। हर सुबह 5-6 बजे उठकर निकलना और हर शाम 5-6 बजे तक बस चलते रहना मुश्किल तो था, पर जुनून के सामने कुछ भी नहीं। करीबन 17वें और 18वें दिन मेरी तबीयत कुछ बिगड़ी। मुझे घबराहट होने लगी थी कि अब आगे क्या होगा, लेकिन डॉक्टर कैप्टन रस्तोगी सर ने मुझे कुछ ऐसी दवाई दी कि मुझे बस 2 दिन में ही आराम आ गया और फिर चल पड़ी थी मैं बेस कैंप के लिए। बेस कैंप के बाद हमारा एक्लिमेटाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था जिसमें हमें एक साथ पूरी हाइट गेन न करके अप एंड डाउन करना था, जिससे हमारी बॉडी उस एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर ले और हम सब फिट एंड फाइन रहें, जो कि हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी थी। इस प्रोसेस में सबसे पहले खुम्बु आइस फॉल को क्रॉस करना था जो कि अपने आप में एक टफ टास्क था क्योंकि उसमें लैडर क्रॉसिंग, क्रेवास क्रॉसिंग जैसे टफ टास्क इंक्लूडेड थे। इसके लिए हम रात को ही चढ़ाई शुरू कर देते थे, उसके बाद कैंप 1 देन डाउन एंड अगेन कैंप 1 देन कैंप 2 कैंप 3 एंड अगेन बैक टू द बेस कैंप। ये करना एक्लिमेटाइजेशन के लिए बेहद ही ज़रूरी था। प्रॉपर एक्लिमेटाइजेशन के बाद हमारा फाइनल क्लाइंब स्टार्ट हुआ।
और हम बस अब पहुंचने ही वाले थे। तो जब आप चोटी पर पहुंचने वाले थे तो अंदर से मुझे लगता है एक अजीब से गूज बम्स जरूर रहे होंगे कि आप अब वहां पहुंचने वाले हैं जहां जाने के लिए इतने सालों से आप मेहनत करते रहे। तो कैसा लगा चोटी के शिखर पर पहुंचने के बाद? ओह माय गॉड सब, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग था हमारे लिए, क्योंकि जिसके लिए दुनिया बोलती है कि हमें आसमान छूना है, तो हम टॉप ऑफ द एवरेज थे, हम आसमान छू रहे थे। वहाँ से बादल, वहाँ से आसमान, सब कुछ नीचे दिखाई दे रहा था और हम सबसे ऊपर अपने आप को महसूस कर रहे थे। वो बहुत ही प्राउड मोमेंट था हमारे लिए भी और हमारे देश के लिए। एवरेस्ट समिट के बाद जब मैं अपने पेरेंट्स से मिलने गई, वहाँ का माहौल देखने लायक था। बहुत सही, बहुत अच्छा। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि उत्तराखंड गवर्नमेंट, जैसे अन्य सरकारें काम कर रही हैं, जैसे हमारा जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश में, जितने भी माउंट एवरेस्ट समिट किए हुए लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं पुलिस में या किसी और अन्य सरकारी सेवा में सेवा देने का मौका मिल रहा है, तो क्या उत्तराखंड में भी ऐसा कुछ प्रयास हो रहा है या आप कुछ कर पा रहे हैं अभी, या फिर कुछ और प्लान्स हैं आपके अभी? सर, इस पर मैं कहना चाहूँगी कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है, अभी तक मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है। जो कि अनाउंसमेंट किया था उस टाइम की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी हमें धनराशि देने की, पर वो अभी हम तक पहुँची नहीं है। तो शायद ये जो गवर्नमेंट है वो कुछ कर ले हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए, या खेलों में जो प्रतिभागी हैं उनके लिए कुछ कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद नूतन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ये बहुत इंस्पायरिंग भी है मुझे लगता है। और क्या आप इंस्पायरिंग कुछ बताना चाहेंगे हमारी पूरी जनता को जो अब देख रही है इस सब चीज़ों को, और वो आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेगी? तो मैं सारे जितने भी लोग हैं उनसे यही कहना चाहूँगी, जितने भी बच्चे हैं, कि अगर आप कुछ चीज़ के लिए फोकस करते हैं या कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप उसके लिए डिटरमिन्ड होके रहें। ऑब्स्टिकल आएंगे अगर, लेकिन अगर आप फोकस रहेंगे तो वो जो ऑब्स्टिकल है पर्टिकुलर, आप उसको कैसे भी क्रॉस कर जाएंगे। बस आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, क्योंकि आप डाउट नहीं करेंगे तो वो आपका फर्स्ट स्टेज होगा कि आपने वो चीज़ अचीव कर लिया है। तो बस ऐसे ही आप। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और जितने भी हमारे दर्शक इसको देखेंगे, आई एम श्योर वो भी इसको बहुत प्यार देंगे, और आपसे आगे भी हम बातें करते रहेंगे, देखते हैं कहाँ तो बातें चलती हैं। तो अभी के लिए चलते हैं, मैं ज़रा इसको बुल के लिए बोल देता हूँ। भैया, एक्सक्यूज़ मी भाई साहब, ये थोड़ा क्लीन करवा दीजिए, और बिल सर। सर और कुछ नहीं है? बस नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बिल करवा दीजिएगा। बहुत अच्छी चाय थी आपकी। थैंक यू सर। बहुत अच्छा जी। तो नूतन जी, अभी और क्या क्या प्लान्स हैं, अभी आगे क्या क्या करने वाले हो? अभी तो देखते हैं क्या क्या करते हैं जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, व्यक्ति को हमेशा जुड़ा हुआ होना चाहिए चीज़ों को लेकर। और बहुत, तब हम मिलेंगे आपसे जल्द ही, है ना? बहुत सुंदर, अरे वाह, ये बहुत सही है। चलिए, ये मैं कार्ड से गूगल पे से पेमेंट कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये कोड यही है ना आपका स्कैनर? हाँ जी। बहुत सुंदर, पूरी टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं आप। ये हो गया, देखिए। थैंक यू, ये ले लीजिएगा। ऑलराइट, बहुत अच्छा था स्वीट कॉर्न कैफे, इज नाइस। थैंक यू सर। चलिए ठीक है मैम, तो फिर मुलाकात करते हैं आपसे। मैं अभी थोड़ा सा सामान समेटूंगा अपना, फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू। तो ये थी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से हमारी नन्ही परी नूतन वशिष्ठ, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही एवरेस्ट को फतह कर दिया था। उसके बाद इन्हें रक्षा मंत्रालय से पुरस्कृत किया गया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इनकी टीम को दो अलग अलग सम्मानों से सम्मानित किया। उत्तराखंड का महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है तीलू रौतेली, उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया। देश भर में, राज्य भर में अलग अलग पुरस्कार इनको सौंपे गए। तो आप भी
याद रखिए हमारी इस नन्ही परी को जिसने उत्तराखंड का नाम विश्व पटल पर चिन्हित किया है।